हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी विल गेट टू नो व्हाट इज इंटरनेट. इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ओके, हाउ द इंटरनेट फंक्शंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. ओके, सो व्हाट इज इंटरनेट. इंटरनेट है क्या? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, ऐसा नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. ओके, और ये नेटवर्क कैसे बनता है? ये नेटवर्क स्मॉल नेटवर्क्स को ज्वाइन करके बनता है. छोटे छोटे नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं आपस में, फिर वो बड़े नेटवर्क बनते हैं. जैसे लैन नेटवर्क्स होते हैं जो स्मॉल एरिया में होते हैं, वो कनेक्ट करके बनते हैं. मैन कौन सा नेटवर्क होता है जो एक पर्टिकुलर सिटी में जो पर्टिकुलर सिटी को कवर करता है, राइट. तो ऐसे ही मेंस को जो एक्सटर्नल नेटवर्क से आप ज्वाइन करोगे, डिफरेंट सिटीज के नेटवर्क ज्वाइन करोगे, फिर डिफरेंट कंट्रीज के नेटवर्क को ज्वाइन करोगे. तो ऐसे एक हमारा एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बन जाता है, वैन बन जाता है, और उसका एग्जाम्पल है इंटरनेट. फाइन. द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, ये कैसा सिस्टम है? ये ग्लोबल सिस्टम है, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो छोटे छोटे कंप्यूटर्स के नेटवर्क हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे से ज्वाइन है, लिंक्ड है. ओके, डेट यूजेज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट. और वो क्या यूज करते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? जब कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट करता है तो उसे कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है, तभी वो इंटरनेट का पार्ट बनता है. ओके, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट मींस सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय द ऑल द डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ठीक है, वो रूल्स जो जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं, उनको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, राइट. जो मेन जो बेसिक प्रोटोकॉल इंटरनेट यूज करता है वो है TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, टू कम्युनिकेट बिटवीन द नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम है, ओके, जो छोटे छोटे स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क्स को ज्वाइन करके बना है, और ये नेटवर्क्स आपस में किसकी हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं, किसकी हेल्प से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, डेटा सेंड कर सकते हैं, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, और मैंने आपको बताया इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जो जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं, राइट. जैसे आप एक एग्जाम्पल हो, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, व्हेन यू गो टू द स्कूल व्हाट यू हैव टू व्हेन यू गो टू द स्कूल यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स. आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, लाइक यू हैव टू वेयर द ड्रेस, स्कूल शूज, स्कूल टाई, स्कूल बेल्ट, राइट. देन यू आर अलाउड टू एंटर द स्कूल. ऐसे ही इंटरनेट, जब इंटरनेट डिवाइसेस यूज करते हैं उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, उन रूल्स को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. अभी मैंने बताया इंटरनेट जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, ग्लोबली फैला हुआ है, वो कैसे बना हुआ है? छोटे छोटे नेटवर्क्स को ज्वाइन करके बना हुआ है. ठीक है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कंसिस्ट्स ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्कोप. तो इसमें क्या है, सारे के सारे नेटवर्क्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, एकेडमिक हो, बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो. ओके, लोकल नेटवर्क्स ज्वाइन कर करके कहाँ तक चले जाते हैं? ग्लोबल, मतलब छोटे छोटे नेटवर्क्स ज्वाइन करके थ्रू आउट द वर्ल्ड वो जितने भी नेटवर्क्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं. ओके, लिंक्ड बाय अ ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज. ओके, और ये नेटवर्क कैसे बनते हैं? इसके अंदर हम वायर्स का भी यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, आपका ऑप्टिकल नेटवर्किंग भी होती है. ओके, ऑप्टिकल फाइबर्स का जिसमें यूज होता है. तो इस तरह से आपका इंटरनेट बनता है. फाइन, तो आप एक स्मॉल डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हो, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, राइट. इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, और ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं? ये कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट. ओके, नाउ वी हैव हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसे क्रिएट हुआ, कैसे बना. ओके, द सीड्स ऑफ इंटरनेट वर प्लांटेड इन 1969 when US Department of Defense sponsored a project named ARPANET. ओके तो इसके जो सीट्स मतलब जो इसका जो आइडिया आया वो कब आया 1969 में आया जब यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर करना मीन्स इस प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड्स किए। ठीक है और कौन सा प्रोजेक्ट था आर्पानेट। आपको इस प्रोजेक्ट का नेम याद रखना है कि इस प्रोजेक्ट का नेम क्या था आर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ओके एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड यूएस डिफेंस। अच्छा इस प्रोजेक्ट का गोल क्या था। इस प्रोजेक्ट का ये गोल था कि जो डिफेंस था जो वहाँ की आर्मी थी ओके और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज थी वो आपस में कनेक्ट हो सके। ओके वो आपस में कनेक्ट हो सके वहाँ एक दूसरे को मैसेज पास कर सके। कोई ऐसा नेटवर्क बने जिससे डिफेंस यूनिवर्सिटीज को यूएस की यूनिवर्सिटीज को मैसेज डिलीवर कर सके। ओके तो ऐसा कोई वो नेटवर्क चाहते थे। ठीक है इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे उनका ये गोल था राइट। इन mid-80s another federal agency, the National Science Foundation, created a new high-capacity network called NSFNET. Okay, सबसे पहले जो इसके सीट पड़े थे वो किसके फॉर्म में पड़े थे ARPANET के फॉर्म में पड़े थे। ठीक है उसके बाद ARPANET एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है उसमें कुछ उन्होंने अपना रिसर्च की होगी कुछ डिस्कवरी की होगी। उसके बाद क्या हुआ 80s में नेशनल साइंस फाउंडेशन जो एक वहां की ऑर्गेनाइजेशन थी फेडरल ऑर्गेनाइजेशन थी। फेडरल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कंबाइंड होती है यूनाइटेड एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट से और लाइक सच काइंड ऑफ एजेंसीज। वहां का जो एजेंसी थी नेशनल साइंस फाउंडेशन उन्होंने भी क्या किया एक नेटवर्क क्रिएट किया। ठीक है जो उससे बेटर था ARPANET से बेटर था। ओके उसकी कैपेसिटी ARPANET से बेटर थी। उसका नाम क्या था NSFNET। ठीक है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट। ओके विच वॉज मोर कैपेबल देन ARPANET और जो उन्होंने नेटवर्क बनाया वो ARPANET से बेटर था उससे ज्यादा कैपेबल था राइट। लेटर इन 1990s ARPANET, NSFNET एंड सम अदर प्राइवेट नेटवर्क्स वर ज्वाइंट टूगेदर टू क्रिएट द नेटवर्क। ओके अब यहाँ हमारे पास दो नेटवर्क्स थे ARPANET था यूएस के पास और क्या था NSFNET था। ओके और कुछ और भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी जो अपने खुद के नेटवर्क्स क्रिएट करी थी राइट। तो 1990 में क्या हुआ ARPANET, NSFNET और जितने भी प्राइवेट नेटवर्क्स थे उन्होंने क्या किया एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया। वो ज्वाइन हुए एक दूसरे के साथ और उन्होंने इंटरनेट को क्रिएट किया। फाइन The internet really became popular in 1990s after the development of World Wide Web. Okay, और इंटरनेट पॉपुलर का हुआ जब किसका डेवलपमेंट हुआ वर्ल्ड वाइड वेब का। ओके वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब इज द वेब ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब एक डेटा का इंफॉर्मेशन का एक वेब है एक जाला है जो कहाँ पे मिलता है आपको इंटरनेट पे मिलता है। ठीक है तो जब वर्ल्ड वाइड वेब क्रिएट हुआ तो क्या हुआ इंटरनेट बहुत पॉपुलर हो गया 90s में। ओके ओके नाउ वी हैव वर्किंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट वर्क कैसे करता है। ओके ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट कम्युनिकेट विद वन अनदर यूजिंग TCP/IP प्रोटोकॉल। ये मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी डिवाइसेस जितने भी कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है कुछ रूल्स होते हैं राइट। ओके तो TCP/IP जो प्रोटोकॉल्स है उनका कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होता है और इनकी हेल्प से ही क्या होता है डिवाइसेस जितने भी कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके अब हम देखेंगे ये क्या फंक्शन करते हैं राइट। TCP/IP manages the transmission of data or file or document on the internet by breaking the data or file or document into small pieces or parts called packets. अच्छा जो डेटा ट्रेवल करता है इंटरनेट पे वो ऐसा नहीं है कि एक बिग फाइल है वो एज इट इज ट्रेवल कर जाएगी नो जितना भी ट्रेवल करता है डेटा इंटरनेट पे जितना भी डेटा ट्रेवल करता है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है राइट। वो छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं उस डेटा के राइट, और वो उस पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, राइट। ईच पैकेट कंटेन्स एक्चुअल डेटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, राइट। अब जितने भी पैकेट्स हैं उसमें क्या होता है, एक तो एक्चुअल डेटा होता है और एक डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब उसको कहाँ जाना है। यहाँ पे एक कंप्यूटर सेंडर है जो डेटा सेंड करेगा, ठीक है। एक कंप्यूटर आपका, एक डिवाइस क्या है, रिसीवर, जो उसको रिसीव करेगा, ठीक है। सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड करेगा। ये डेटा किस फॉर्म में जाएगा, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा, राइट। और उस पैकेट्स में क्या होगा, एक तो डेटा होगा जो ब्रेक किया हुआ है छोटे छोटे पार्ट्स में, दूसरा क्या होगा, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जो है कंप्यूटर उसका एड्रेस, ओके, जिससे पैकेट्स डेस्टिनेशन पर ही जाके पहुंचे, राइट। ईच पैकेट कंटेन्स एक्चुअल डेटा and destination address, okay? A packet generally contains up to 1500 characters. तो एक पैकेट के अंदर टोटल कितने characters होंगे, 1500 characters होंगे, जो किसका combination होगा, डेटा प्लस डेस्टिनेशन एड्रेस, ओके। अब जो TCP/IP प्रोटोकॉल है वो कैसे हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ठीक है। देखो, द TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पार्ट is responsible for dividing the file or message into packets on the source computer. अभी मैंने बताया एक कंप्यूटर क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा, ठीक है। एक कंप्यूटर आपका करेगा डेटा सेंड और दूसरा कंप्यूटर क्या करेगा, डेटा रिसीव करेगा, राइट। दूसरा कंप्यूटर आपका डेटा रिसीव करेगा, ओके। तो जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है, जब जो सेंडर कंप्यूटर होता है, ठीक है, उस वो जो मैसेज सेंड करता है उसको क्या करता है, डिवाइड कर देगा पैकेट्स के फॉर्म में, राइट। देखो यहाँ पे द टीसीपी पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द फाइल और मैसेज इनटू पैकेट्स ऑन द सोर्स कंप्यूटर। तो क्या कर रहा है, सोर्स कंप्यूटर जो डेटा सेंड कर रहा है उसको टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर देता है, राइट। दीज पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट, और वो पैकेट्स क्या करते हैं, इंटरनेट जो हमारा नेटवर्क है उस पर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। वो पैकेट्स ट्रेवल करेंगे, राइट। टीसीपी, अब ये पैकेट्स कहाँ जाएंगे, डेस्टिनेशन एड्रेस पे जाएंगे आपके, पर यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस के पास क्या है, फुल जो मैसेज है या फाइल है वो किस फॉर्म में आई है, पैकेट्स के फॉर्म में आई है, ठीक है। तो टीसीपी अब क्या करेगा, टीसीपी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअसेंबलिंग the received packets from the internet at the destination or recipient computer. अब TCP यहाँ पे क्या करेगा, recipient computer के पास जब डेटा आएगा वो उसको अगेन रीअसेंबल कर देगा फुल फाइल और यू कैन से फुल मैसेज के फॉर्म में, फाइन। तो यहाँ पे देखो टीसीपी का वर्क क्या था, जब सेंडर ने डेटा सेंड किया तो टीसीपी ने उसको पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया, ओके और पैकेट्स में क्या होता है, डेटा प्लस डेस्टिनेशन एड्रेस, ओके और जब वो पूरा जितने भी पैकेट्स थे वो कहाँ पहुंच गए, रेसिपिएंट के पास पहुंच गए, डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास पहुंच गए। तो टीसीपी ने क्या किया, उन पैकेट्स को रीजॉइन करके रीअसेंबल करके फुल फाइल और आपका जो एक पर्टिकुलर ओरिजिनल मैसेज था वो क्रिएट कर दिया, फाइन, ओके। नाउ अब हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल है जो टीसीपी का पार्ट है वो क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, right? Internet protocol handles the address part of each packet so that the data is sent to the correct address. अब internet protocol part क्या करता है, जितने भी packets होते हैं, ठीक है, उसका एड्रेस पार्ट हैंडल करता है, एड्रेस पार्ट उसका मैनेज करता है, जिससे कि जो पैकेट्स हैं वो कहाँ पे जाके रिसीव हो और जहाँ डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास ही वो जाए, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल पार्ट क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो कंप्यूटर्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, उनको एक आईपी एड्रेस, एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, फाइन, ओके एक पर्टिकुलर जैसे हमारे हाउस का एड्रेस होता है वैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल डिवाइसेस को इंटरनेट एड्रेस प्रोवाइड करता है, फाइन, और मैनेज करता है कि जितना भी डेटा है, ठीक है, वो जो डेटा पैकेट्स होते हैं उनका जो एड्रेस पार्ट है उसको कौन हैंडल करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हैंडल करता है, ओके। Now we have the advantages of internet. Greater access to information reduces research time. ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से हमें क्या होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन इजिली अवेलेबल होती है, हमें इंफॉर्मेशन के लिए सर्च में इधर उधर नहीं भागना पड़ता, ओके तो इससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस, ये हमारा रिसर्च टाइम क्या कर देती है, कम कर देती है हमें, बिकॉज वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन वेरी इजिली, ओके। Second is allows you to easily communicate with other people. इंटरनेट की हेल्प से आज के टाइम में आप किसी भी कंट्री से दूसरी किसी भी कंट्री में आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। अभी आप इंडिया में हो, आप यहाँ से यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप कम्युनिकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट। एंड नॉट ओनली द वॉइस कॉल, यू कैन डू द वीडियो कॉल एज वेल, राइट। ग्लोबल रीच इनेबल्स वन टू कनेक्ट एवरी वन ऑन द इंटरनेट। ये मैंने भी आपको बताया कि कोई भी कहीं भी थ्रू आउट द वर्ल्ड किसी से भी बात कर सकता है, किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकता है, राइट। पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट सेव्स पेपर। अब देखो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो जो पहले मैनुअल वर्क हुआ करता था, पेपर वर्क हुआ करता था, वो बहुत कम हो गया है, इससे पेपर सेविंग हो रही है, ओके। वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर कंपनीज टू एडवर्टाइज एंड कंडक्ट बिजनेस। अब कितने सारे जो बिजनेस हैं वो ऑनलाइन चलते हैं, कितनी सारी कंपनीज हैं वो ऑनलाइन चलती हैं, राइट। और कोई भी अपनी कंपनी का एडवर्टाइज क्या कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है। तो इट इज वेरी नाउ टुडेज लाइफ, वी कैन नॉट थिंक ऑफ नाउअडेज वी कैन नॉट थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट इंटरनेट, ओके, क्योंकि इसके इतने सारे यूजेस हैं, इतने सारे एडवांटेजेस हैं, वी कांट टेल इन वर्ड्स इवन, ओके। अब इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस भी हैं। साइबर फ्रॉड्स में टेक प्लेस इन्वॉल्विंग क्रेडिट, डेबिट कार्ड नंबर्स एंड डिटेल्स, राइट। अब जब हम इंटरनेट पे क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस करते हैं, मनी ट्रांजेक्शंस करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं, तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स साइबर फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर्स आपके लीक हो जाते हैं, वो हैक हो जाते हैं, और आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, राइट। अनसुटेबल एंड अनडिजायरेबल मटेरियल इज आल्सो अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ये नहीं कि इंटरनेट पे जितना डेटा है वो सारा सही है, बहुत अच्छा है, कुछ अनडिजायरेबल मटेरियल भी है जो क्या करता है, जो बच्चों को फैसिनेट करता है और दिस इज नॉट यूजफुल फॉर देम, ओके। तो वो मटेरियल भी अवेलेबल है जो हमें नहीं चाहिए। इट इज मेजर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो बहुत सारे कंप्यूटर, बच्चे गेम्स खेलते हैं, उसके थ्रू इतने सारे वायरस आ जाते हैं कंप्यूटर्स में, फोन में, ओके। तो ये इंटरनेट का एडवांटेज है, तो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। मैसेजेस सेंट अक्रॉस द इंटरनेट कैन बी इजिली हैक्ड बाय द हैकर्स। अब जितना भी डेटा हम इंटरनेट के थ्रू सेंड करते हैं वो जरूरी नहीं है कि सेफ हो, वो हैक भी हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेटेड जो चीज डेटा होता है वो भी हैक हो जाता है, फाइन। इट इज डिफिकल्ट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब हमें लगता है जितना भी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है वो सब कुछ सही है, पर ऐसा नहीं है। हम इतना सारा डेटा अवेलेबल है, हम उसकी एक्यूरेसी को चेक नहीं कर सकते। हमें जो सही लगता है वो हम यूज कर लेते हैं, जो सही नहीं लगता हम उसे यूज नहीं करते, राइट। Uses of internet. Internet has been the most useful technology of the modern time. ठीक है, इंटरनेट क्या आज के टाइम की सबसे ज्यादा, सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है, राइट। विच हेल्प अस नॉट ओनली इन आवर डेली लाइफ बट ऑल्सो इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेट क्या है, हमारी हेल्प कर रही है हमारी डेली लाइफ में, ओके, ये हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करी। जैसे अभी देखो एक एग्जाम्पल लो, जब कोरोना स्प्रेड हुआ तो क्या हुआ, बच्चे अगर स्कूल नहीं गए, ओके, अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता, 2 इयर्स वो घर पे रहते, कोई एजुकेशन उनको नहीं मिलती। लेकिन इंटरनेट की हेल्प से हाँ क्या हुआ, ऑनलाइन क्लासेस हुई, दे गॉट एजुकेशन, ओके, दे क्लाइम्ड अप टू द नेक्स्ट क्लास। नहीं तो क्या होता, 2-2 क्लास सारे बच्चे पीछे हो जाते, राइट। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता, बहुत प्रॉब्लम्स होती। बच्चे घर में पढ़े और वो क्या नेक्स्ट क्लास में पहुंचे, राइट। तो यहाँ पे इंटरनेट बहुत यूजफुल है, ओके। द सम यूजेस ऑफ इंटरनेट आर एज फॉलोस। यहाँ पे कुछ यूजेस बता रहे हैं इंटरनेट के, ई कॉमर्स, ऑक्शंस, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑक्शंस होती है, नीलामी होती है इंटरनेट पे, बाय हम सेल भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, हम बाय भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, इसको ई कॉमर्स कहते हैं, राइट। रिसर्च, ऑनलाइन जर्नल्स, मैगजीन्स, इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आप रिसर्च कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे। एजुकेशन, ई लर्निंग, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द कॉलेज, कुछ लोग होते हैं जिन्हें वर्क करना पड़ता है, तो वो क्या जॉब करना पड़ता है, तो वो क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू एजुकेशन भी ले सकते हैं और साइड बाय साइड जॉब भी कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है, आपको घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं। फाइन, ओके। ई लर्निंग, आप जो भी इंटरनेट पर आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, एजुकेशन मटेरियल अवेलेबल होता है, उससे आप ई लर्निंग कर सकते हो, ठीक है। ई गवर्नेंस, ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, आज जितना भी आजकल गवर्नेंस का काम होता है वो भी क्या होता है, मोस्टली ऑनलाइन ही है, ठीक है। आप कोई भी ऑनलाइन, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाते हैं, राइट। इनकम टैक्स आप ऑनलाइन पे करोगे, सेल टैक्स आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, जितने भी टैक्सेस हैं आप, इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन, वाटर बिल ऑनलाइन, एवरीथिंग यू कैन पे ऑनलाइन, राइट। ई रिजर्वेशन, आप इंटरनेट की हेल्प से कहीं भी कोई भी रिजर्वेशन करा सकते हो, ऑनलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, आप चाहे रेलवे के टिकट ऑनलाइन कर सकते हो, आप टैक्सीज बुक करा सकते हो, एयरप्लेन की आप ऑनलाइन टिकट्स करवा सकते हो। तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन इन टूडेज लाइफ, आप कोई भी चीज ऑनलाइन रिजर्व करा सकते हो, राइट। ऑनलाइन पेमेंट्स आप कर सकते हो, आपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, इवन आपके स्कूल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लासेस होती थी, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ डेटा, डेटा आप एक्सचेंज कर सकते हो, फाइल, म्यूजिक, फोल्डर्स, एनीथिंग। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जिसपे बच्चे बहुत टाइम बिताते हैं, फेसबुक एंड ट्विटर, राइट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कुछ फायदे भी हैं, आप यू कम अक्रॉस विद सो मेनी पीपल, ओके, आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो। एंटरटेनमेंट आपका होता है इंटरनेट की हेल्प के थ्रू, आप म्यूजिक सुनते हो, वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं बच्चे, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ इंटरनेट। Okay children, now we will meet in next video of introduction to computer networks. Till then keep studying. Okay, all the best for your exams and subscribe my channel for more useful videos. Thank you.